अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। गीतांजलि बहन वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हमें आपका अनुभव सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है, तो आपके बिजी शेड्यूल से आज आपने एक घंटा हमारे लिए निकाला है, इस परिवार के लिए निकाला है, इसलिए एडवांस में ही आपका शेयरिंग से पहले ही मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और आज आपने समय निकाला है। तो प्यारे साथियों, आज हमारी मुलाकात विशेष परम कलाकार के, इस विशेष कलाकार के साथ हुई है, होने जा रही है, हम उनको सुनने जा रहे हैं। और देखिए, सुनने के लिए हमारे दुबई से दयाल भाई भी हाजिर है इस सभा में। दयाल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप अनम्यूट करें दयाल भाई। तो प्यारे साथियों, हमारी गीतांजलि बहन इस वक्त तो हैदराबाद से बोल रहे हैं, लेकिन वैसे मुंबई से, तो जो मैं कहूंगा छोटे पर्दे के, अर्थात टीवी छोटे पर्दे के बहुत बड़े और पुराने कलाकार है हमारे गीतांजलि बहन। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, दूरदर्शन से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की, 87 से 2005 तक करीब आपने जॉब किया, बासु चटर्जी की सीरियल्स में भी आपने काम किए है, और व्योमकेश बख्शी, मुझे याद है बहुत फेमस हुआ था सीरियल, तो व्योमकेश बख्शी की जो सीरियल रही तो उसमें पोस्ट प्रोडक्शन का काम आपने किया, और स्टेट अवार्ड्स, गवर्नमेंट अवार्ड्स में जो भी है, तो अनिल कपूर, रेखा, जितेंद्र और आमिर खान साहब, एआर रहमान साहब, उन सब से आपका काफी घनिष्ठ संबंध है, काम किया है आपने। और 2017 में आपने अपनी कंपनी अभी की है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आप उस कंपनी के द्वारा कर रहे हैं। सारा ज्यादा डिटेल तो आप ही अपना बता पाएंगे, लेकिन मैं अभी पहले कहूंगा दयाल भाई आप वेलकम करें। और एक खास बात मैं कहना भूल गया, जो मुझे जरूर शेयर करनी चाहिए, प्यार्टन कल्चर विंग से आप बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और जो बड़े बड़े कलाकार हैं इनसे आपका बहुत अच्छा संबंध है, संपर्क है। आप एक कलाकार अच्छे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर विंग की कॉन्फ्रेंसेस में, अर्थात बाबा से कनेक्ट करवाने में आपका बहुत बड़ा पार्ट है। आप बड़े बड़े वीआईपीज को, बड़े बड़े कलाकारों को मधुबन आए दिन ले आते हैं जब भी कॉन्फ्रेंसेस होती है। और एक बात और आप में बहुत अच्छी मुझे लगी है, कि जो इंडियन डांसेस या इंडियन कल्चर है, वह विदेशों में जाके वहां आप ये करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा, हर साल आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो यहाँ की संस्कृति का, जिनको हम आदान प्रदान कहेंगे, ये करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य आप करते रहते हैं। करीब करीब हर देश में आप जाते हैं और इतना उम्दा कार्य आप करते हैं। मैं समझता हूँ मुझसे अच्छी बात तो इस बारे में दयाल भाई कर पाएंगे, क्योंकि दयाल भाई का अच्छा ज्यादा कनेक्शन है। तो दयाल भाई, आप दो शब्द कहे हमारे गीतांजलि बहन के लिए। दयाल भाई, हेलो। ओम शांति। अरे श्रोतागण, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपके प्रोग्राम में। और मिनेश भाई का इतना अथक जो मेहनत चल रही है इतने कुछ महीनों से लगातार, और साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इनका बहुत कोऑपरेशन है, इतने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा करके उनके विचार और उनके जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ख्याल आया कि पहले तो मैं इनको कहूँ कि वो श्रृंखला जो है इनकी, वो अच्छे से रिकॉर्ड हो, ताकि हम कभी भी किसी के भी जिनका सुनना चाहे उनको हम कभी भी सुन सके फिर से दोबारा। क्योंकि ये सुनना सिर्फ कान से सुनने वाली बात नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे का अनुभव से सीखने वाली बात होती है, कुछ ग्रहण करने वाली बात होती है। और गीतांजलि बहन तो हमारी बहुत ही डियर नियर सिस्टर है, और उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंसेस में पिछले 5-6 साल से हर साल किसी न किसी अच्छे सेलिब्रिटी को लेके आते हैं,
तो वो तो गीतांजलि बहन ही बताएंगे कौन कौन से सेलिब्रिटीज को वो अभी तक लेके आई है, और जिनको भी लेके आए हैं उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये बड़ी बात है। एक तो उनके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पॉजिटिविटी का, और जो भी उनके जीवन में उन्होंने सेवा की है वो बिल्कुल साइलेंट रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है कि मैंने ये किया वो किया वो किया, लेकिन सहयोग पूरा देती है। और मैं हमारी विंग की तरफ से मैं गीतांजलि बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी इस तरीके से उनका कोऑपरेशन सपोर्ट हमें मिलता रहे, मिलता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसे फिल्म के बॉलीवुड के लोग हमसे जुड़े रहें, ताकि ये जो ईश्वरीय ज्ञान का मैसेज है ये सबको मिले और इससे सबके जीवन में फायदा हो, यही हमारे जो विंग है उसका लक्ष्य है। और मैं देख रहा हूं कि अभी बॉलीवुड में या और भी दूसरे कलाकारों में बहुत बहुत परिवर्तन हो रहा है। कल ही हमारा 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई पूना में, विद्या बहन ने भी काफी इस तरीके की जूम मीटिंग करके कुछ कलाकारों को जोड़ा, और संदेश यही देते हैं हम लोग सब लोगों को कि अब समय आया है परिवर्तन का, हम चाहे या ना चाहे, वर्ल्ड परिवर्तन होना ही है, तो उसमें हमारा क्या योगदान है, हम जल्दी जल्दी अपने आप में परिवर्तन करें। तो ये मेरी सबसे अनुनय विनय है और विश्वास है कि जरूर हम सब इस परिवर्तन बेला में अपने आप को संपूर्ण रूप से सक्रिय करके अपना स्वयं का पहले और फिर अन्य का कल्याण करेंगे। थैंक यू वेरी मच गीतांजलि बहन जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू दयाल भाई, डॉक्टर साहब, गीतांजलि बहन, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर जैन भाई जी है, और 1968 से आप ईश्वरीय ज्ञान में है और साकार बाबा की स्वयं पालना आपने ली हुई है, तो और ये जो बगिया है कारेली बाग के उसके निमित्त चंबा बहन और डॉक्टर जैन भाई हमारे इंचार्ज है, और ये अव्यक्त बाप दादा को एक बार हमारे डॉक्टर साहब ने पूछा, तो और ये बाप दादा का डायरेक्शन है अनुभव का जो कार्यक्रम, जैसे दयाल भाई ने बताया, तो ये जो चल रहा है तो वास्तव में स्वयं भगवान का ही ये डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें हमारे आदरणीय गीता जी, गीतांजलि बहन का। ओम शांति। ओम शांति। आज आप गीता ज्ञान की अंजलि देने के लिए पधारे हो, तो पहले से ही नाम अच्छा मिला हुआ है आपको, तो आपका अनुभव सुन के हम सब तो होंगे पुलकित, लेकिन सारी वर्ल्ड के लोगों को भी हमारी ये YouTube जो है मशहूर हो गई है अभी, तो अनेक भाई बहन वर्ल्ड से भी देखेंगे सुनेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे, और एक्टर्स जब रियल एक्टर्स बनते हैं, क्योंकि ये दुनिया में हमारा रियल पार्ट चल रहा है, हम हाईएस्ट एक्टर है, उसमें भी आज बाबा ने कहा कि जो पहले ज्ञान लिया है वो सबसे आगे है, सारे वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं, क्योंकि सारी वर्ल्ड को परिवर्तन कराने वाले हम है, उसमें भी आपको विशेष पार्ट मिला है, इसीलिए बहुत अभिनंदन है। हम सब अपना हाथ उठा के वेलकम करेंगे गैलरी से, तो आपको बहुत 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 वेलकम है, और अभी हम आपको देख आपको सुनकर अपने लिए प्रेरणा भी जरूर लेंगे। ओके, ओम शांति। शुरू कर सकते हैं आप। ओम शांति। ओम शांति से मेरे दो छोटे बहनें जुड़े हैं, और एल्फिस्टन सेंटर से मैं सेवा देती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे बहनें रहते हैं, और उन्होंने हमेशा कहते थे कि हम ओम शांति जा रहे हैं, ओम शांति जा रहे हैं। अब मैं कई बार अपना काम करती रहती, हम आबू गए थे, हम यहाँ गए थे, दीदी ये कह रही है, बाबा ये कह रहे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता था कि सब जा रहे, मैं कब जाऊंगी। क्योंकि जब मैं पहली बार जाना चाहती थी तो मेरे मन में ही था, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आऊंगी, ओम शांति जाऊंगी। और इसके वजह से मैंने एक दिन ऐसा ही सोचा कि सब जा रहे माउंट आबू, ऐसा क्या है वहां पे। ऐसे सोच रही थी उतने में मेरी छोटी बहन का फोन आया, बोला कि कल्चरल प्रोग्राम है आबू में, क्या आप कोई सेलिब्रिटी को लेके आ सकती है। मैंने बोला क्यों नहीं, ला सकती हूँ मैं। फिर मेरी बहुत ही करीब बहुत सालों से दोस्त है स्मिता जयकर, काफी बड़े बड़े फिल्मों में ऐश्वर्या का माँ का, शाहरुख का माँ का, सलमान के माँ का रोल किया है। और वो भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं संस्था से कैसे जुड़ूं। और मैंने ऐसे कॉल किया, मैंने कहा ताई, मैं उनको ताई कहती हूँ, मैंने कहा ताई ऐसा ब्रह्म कुमारी का जो कल्चरल प्रोग्राम है और वो चाहते हैं कि आप आए वहां पे। गीतांजलि मुझे भी आना है बट मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ अगर आप आ रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने मेरी बहन को बताया तो मेरी बहन ने शीतल बहन को बताया, तो शीतल बहन बोली कोई बात नहीं है चलेगा। और ऐसे करके उन्होंने अपना शूटिंग शेड्यूल रख कर हम लोग चले माउंट आबू। और बाबा ने देखो मेरी मन की बात कैसे पहचान ली कि इस बच्ची को तो आना है आबू, और उन्होंने मुझे बुलाया और हम पहुंचे माउंट आबू। सचमुच बोलूं मैं कभी से सोच रही थी कि मेडिटेशन, राजयोग, ब्रह्म कुमारी, वहां हम गए, हमारा स्वागत हुआ बहुत अच्छी तरह से। बट एक मैंने नोटिस किया कि हम स्वर्ग तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग तो यहीं पर है, आबू में है, माउंट आबू में, शांति वन में है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाइट वस्त्र में परियों की तरह निस्वार्थ भाव से सभी सेवा दे रहे थे, उनके चेहरे पे एक कितना अच्छा स्माइल, और हर एक ओम शांति कह रहे थे प्यार से। ये सब मुझे बहुत छू रही थी, मुझे लगा कि इतना अच्छा जो संस्था है उनके उनके पास कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस लोगों को मेडिटेशन और राजयोग सिखाना चाहते हैं। बट तब तक मुझे नहीं पता था कि राजयोग क्या होता है। कल्चरल विंग में हम गए, हम सभी बैठे और जो भी मुझे अपने मन से लगा, जो सच्चाई लगा वो मैंने व्यर्थ किया। और मैंने कहा कि ऐसी संस्था तो मैंने कहीं भी देखा नहीं है, और आज हम आर्टिस्ट को बहुत जरूरी है, आर्टिस्ट को नहीं सभी को बहुत जरूरी है कि उन्हें राजयोग करना चाहिए। और जैसे आर्टिस्ट लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं काम से, और ये राजयोग ऐसा है कि ये लोगों को रिलैक्स करता है। तो मैंने दयाल भाई को, शीतल बहन को, उनको पूछा कि ये क्या होता है राजयोग, तभी उन्होंने बताया था कि राजयोग क्या होता है। वहां पे भी हमारे से फिजिकली कराया और सचमुच मुझे बहुत पीस लगा। और स्मिता जयकर और मैं शिवानी बहन के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके एक एक शब्द हमें रूई तक पहुंच जाता है, रू तक। और ये मैं आगे डिस्कस भी करूंगी कैसे मैं उनके बातों से, उनके स्पीचों से कैसे मैं बाहर आई थी इस लॉकडाउन के भी समय। उसके बाद स्मिता जयकर आई, वहां पे बहुत अच्छा रहा, हम लाइव रहे, इंटरव्यूज देके बहुत से लोगों ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे को आर्टिस्ट ने, सब ने देखा। और बार बार ये पूछ रहे थे राजयोग क्या है। हमने फिर बताया कि अगर आपके आसपास कोई भी ब्रह्म कुमारी सेंटर होगी, अब जस्ट उनको बोलिए हमें करना है, वो लोग कोर्स करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन वहां तक ही नहीं, जब हम आर्टिस्ट को कहते हैं ओके बोलते, बट इसको इन लोगों में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो हमें बताते रहना चाहिए। इसके बाद स्मिता जयकर हम लोग आ गए, स्मिता जी को बहुत अच्छा लगा और वो बहुत हैप्पी थी, खुश थी।
उसके बाद ऐसे ही चल रहा था, कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स, एल्फिस्टन सेंटर रहता था तो मैं सेलिब्रिटीज को लेके जाती थी। फिर हर साल, पहला साल मैंने स्मिता जयकर को लेके गई, दूसरे साल रामेश्वरी को लेके गई, उसके बाद रति अग्निहोत्री को लेके गई, उसके बाद अनुराग पांडे आए थे, और भी कई हमारे कलाकार वहां आए थे और उनको सचमुच बहुत अच्छा लगा। हमारे अनुराग पांडे तो बहुत एंजॉय किए। अनुराग पांडे ये रेडियो जॉकी है रेडियो मिर्ची पर, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हमारे कलाकार मैं लाती गई, ये एक सेवा है। कितना भी मैं व्यस्त हूँ, कितना भी मैं काम करूं, एक कॉल दयाल भाई का या शीतल बहन का या मेरे बहनों का आता है तो मैं तुरंत सेवा देना चाहती हूँ। देखिए व्यस्त तो सब रहते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, कोई टाइम रहता नहीं है। अगर वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। और मैं हमेशा एक बहुत बड़ा फिलोसफी फॉलो करती हूँ और उसे मैं प्रैक्टिस में भी लाती हूँ। एक बड़ा कलाकार था हॉलीवुड का, उन्हें पूछा गया था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। उन्होंने कहा आई वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो मैं भी राइट टाइम ओम शांति यानी माउंट आबू पे थी और राइट समय पे और राइट जगह पर विथ राइट बहनों के साथ। और दयाल भाई का तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना निस्वार्थ प्यार सभी पे करते हैं, इतना सेवा देते हैं। मुझे तो उनका एक कॉल आता है तो मैं कभी मना नहीं कर सकती हूँ। शीतल बहन का, नेहा बहन का, वो लोग इतने पोलाइट, इतने ग्राउंडर और इतना निस्वार्थ से प्यार करते हैं और इतना अच्छा सेवा देते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं बाबा की बच्ची हूँ। हमारे संस्था यानी ब्रह्म कुमारी के संस्था के द्वारा जितने लोगों को ये राजयोग अभ्यास मिले मैं तो धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि आज की जो दौर है बहुत स्ट्रेस है, लाइफ में सभी को स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर मेडिटेशन किया जाए तो स्ट्रेस रिलैक्स होता है। और इस मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत सुना है कि छोटी सी एग्जांपल दिया था कि हम तो हर रोज मोबाइल को चार्ज करते तभी वो काम करता है, अगर वो बैटरी डाउन हो जाए वो काम ही नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह हम मानव को भी हमारे ब्रेन को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा उनको एनर्जाइज करना चाहिए। उनको मेडिटेशन करने से हमें बहुत सुकून पीस मिलता है और हमेशा मेडिटेशन से आपका एनर्जी बूस्ट अप होता है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे हमेशा शिवानी बहन कहती थी कि आपने सोचा है कभी कि आप डिप्रेशन क्यों होते हो? एवर यू हैव फाउंड द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस डिप्रेशन हैज कम? मैंने भी सोचने लगा क्योंकि इस लॉकडाउन में मैं सभी को कहती थी कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं है, आप सोचो मत, सोचोगे तो वो पॉजिटिविटी आती है। जैसे शिवानी बहन कहते उसे जहन में मत रखो। फिर भी मई जून जुलाई तक मैं थोड़ी स्ट्रांग थी, बाद बाद में मैं बहुत लो होने लगी क्योंकि 24/7 काम करने वाली सडनली एक स्टॉप हो गया, एक क्या कहते कि एक ब्रेक आ गया। मैं ऑनलाइन कनाडा के साथ हमारे सिंगर्स को लेके करती थी और मैं सभी लोगों को कहती थी कि डू मेडिटेशन, सोचो मत व्हाट इज, आप अपना इम्यून अच्छा रखो, एक पॉजिटिविटी रखो, अच्छा खाओ, खान पान शुद्ध रखो, ये सब मैं कहती थी। बट जब एक समय पे मैं भी बहुत लो होने लगी, मैं शिवानी बहन के वीडियोस अभी भी देखती हूँ जब भी चाहिए और हर बार मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी बारे में सोचते हो फाइंड आउट द सोर्स विच मेक्स यू डिप्रेस्ड। और मैंने सोर्स को पकड़ा और मैंने उस सोर्स को निकाल दिया। देन शी सेड यू पुट अ वाइट सर्कल एंड से आई एम गॉड्स चाइल्ड, I'm God, I receive God's power, blessings. ये हम बार बार सोचो और कहो कि इसके बाहर
या इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, और जिसके बारे में तुम सोच रहे हो उसको भी वही पॉजिटिव भेजो। ये सुनकर मैं बार बार वही करती थी, बार बार दिन भर, और उस चीज से सोर्स फ्रॉम वे यू गेट डिप्रेस्ड खत्म कर दो, उसे अवॉइड कर दो, और अच्छी बातें सोचो, मेडिटेट करो, पॉजिटिविटी करो, एक रेखा करो, वाइट सर्कल अराउंड योर स्पेस, पूरे घर में, आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी में बस गॉड्स लविंग, गॉड्स पावर एंड गॉड्स ब्लेसिंग, दैट्स शी सेड कि डेस्टिनी चेंजेस। इतना अच्छा जो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं, और ये मैं श्रेय जाता है हमारे ब्रह्म कुमारी को, और मैं सभी को कहना चाहती हूँ, हमारे आर्टिस्टों को जस्ट फॉलो। कई बार हमारे आर्टिस्ट कहते हैं कि अरे भाई हम बहुत डिप्रेस्ड है, मुझे हमारे किशोर भानुशाली एक दिन मुझे फोन किए, बोले दीदी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोर्स पकड़ लो, कहाँ से तुम्हारा है, और पूरा मैंने जो भी प्रोसेस शिवानी बहन का था मैंने बोला वो करो एंड लिसन टू हर, एक एक बात सोचो, सुनो, देखो आपके लाइफ में कितने ट्रांसफॉर्मेशन आते। शी सो कूल, सो पीस, कितने प्यार से, यू नो, कितना पॉजिटिविटी उनपे देखो तो एक शांत सा स्वरूप है। और जितने भी हमारे भाई बहन सेंटर्स चला रहे हैं, मेरा तो सल्यूट है उन लोगों को, कितना वक्त देते, निस्वार्थ से सभी को राजयोग सिखाते, सभी को बताते, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं, कभी कुछ भी मांगते नहीं है, ऐसा संस्था मैंने कहीं देखा नहीं। जैसे आबू में हमने देखा कि पूरे अंदर ही सब कुछ है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, और कितने प्यार से सेवा देते हैं हमारे बुजुर्ग भाई बहन हो या हमारे यंग हो, एक ही मुस्कान उनके चेहरे पे होता है, वही मुस्कान मैं लाना चाहती हूँ हर एक इंसान पे। और धन्य है वो ब्रह्म कुमारीज जिन्होंने ये संस्था ओपन किया, हमारे शिव बाबा को मैं बहुत थैंकफुल कहती हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को ये राजयोग का शिक्षा लेना चाहिए। और जब तक मेरे सांसें चलेंगे मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ूंगी, और जितना हो सके मैं सेवा दूंगी। और बहुत से एक्सपीरियंसेस है कि जब से मैं जुड़ी हूँ एक पीस मुझे मिला, नहीं तो मैं बहुत कोई भी चीज होती नहीं है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बट अभी मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मेरे काम अच्छे हो रहे हैं और बहुत पीस मिल रहा है। हमारे अनीता राज, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी अनीता जी को, हमारी शिवानी बहन जब दादर आई थी तो मैंने रिक्वेस्ट किया था अनीता जी को, आप प्लीज आइए और इसका लाभ उठाइए। और जब अनीता राज आई थी, मिली थी, वो जो पूरा ऑरा और वो पूरा सब देखकर मुझे उन्होंने कहा, गीतांजलि जी थैंक यू सो मच टू कनेक्ट विथ मी टू ब्रह्म कुमारीज। हमारी मधु शाह करके है, वो भी एक बार हमारे इंटरनेशनल योगा डे पे आई थी हमारे काम देवी सेंटर के थ्रू, शीतल बहन और नेहा बहन ने, ये लोग सब आना चाह रहे हैं। अब जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे एक एक बहने वहां आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। किशोर भाई भी आए थे उनके वाइफ के साथ, मैंने उनको भी भेजा था। हमारी जरीना बाप जी आई थी ब्रह्म कुमारी, उन्होंने तो बहुत अच्छा उनको लगा, एक बहुत पीस मिला है। तो ऐसे मैं सेवा देती रहूंगी हमारे ब्रह्म कुमारीज को, और मैं कल्चरल विंग, हमारे कल्चरल विंग में भी मोनिका बहने बा, हमारे बहुत से ये कितने अच्छा काम करते, वो लोग प्लेस करते हैं, गाने गाते हैं, हमारे सिंगर्स भी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी है निखिल कामत, वो आना चाहता है, रितु पाठक वेल नोन सिंगर है वो भी आना चाह रही है, और सभी को हम इनको ये शिक्षा देंगे राजयोग का, और मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ होगा। और मैं स्पेशल धन्यवाद करती हूँ दयाल भाई को,
और हमारे बरोडा ब्रांच के भाई उन्हीं को भी मुझे आज आमंत्रित किया और मुझे आप लोग के हिस्सा समझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीतांजलि बहन, आपने आपके मन की बातें रखी और कितना आदर भाव है आपको इस संस्था के प्रति। और आपने बार बार एक शब्द यूज किया, हमारी संस्था या हमारा, तो ये अपनापन जो है, वो जो कहते हैं ना, जो दिल में होता है वो जुबां पर वो बातें आ ही जाती है। तो आपको कितना अपनापन है, और क्यों ना हो, क्योंकि अपने ही उस प्यारे पिता की बनाई हुई ये संस्था है, ये अपना ही परिवार है, तो अपनापन होना तो स्वाभाविक ही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दयाल भाई आप भी दो शब्द कहे, और हमारे दुबई से हमारे गायकवाड़ भाई भी देखो आपको मिलने के लिए आए हैं। गीतांजलि बहन, गायकवाड़ भाई आप भी दो शब्द कहे जी। साथियों हमारे गायकवाड़ भाई जो है, बहुत अच्छी फ्लूट प्ले करते हैं, हमेशा फ्लूट आपके पास ही होती है। और एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ, मैं हमेशा कहती थी, क्योंकि मेरे पापा तो गुजर गए, मम्मी हमारे साथ रहती है, हम हमेशा कहते थे कि हम कहाँ जाएंगे। और जब हम ये माउंट आबू और दयाल भाई ने हमें यहाँ इंट्रोड्यूस किया, शीतल बहन, नेहा बहन, मेरे दो बहनें, हमें लगता है कि ये हमारा घर हो गया है, ये हमारा मायका है। और हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारा तो बाप दादा का घर है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो परमात्म प्यार की अनुभूति कराने के निमित्त दयाल भाई आप बनते हैं, इसलिए आपका भी इसमें क्या कहे, श्रेय है, आपको भी बहुत दुआएं जाती है, क्रेडिट जाती है, तो इसकी भी आपको बहुत मुबारक। हाँ जी गायकवाड़ भाई साहब। हाँ गीतांजलि बहन, शांति, ओम शांति। दोनों मिक्सअप दयाल भाई जी का होने दीजिए, मैं एक दो शब्द फिर पेश करूंगा। दयाल भाई जी का होने दीजिए प्लीज। अच्छा, वो बहुत अच्छा है गीतांजलि बहन, आपने एक काफी अच्छी बातें शॉर्ट में बता दी। आगे भी हम आप सब मिलके बहुत काम करना है, और ये देखने में आया है कि बॉलीवुड में ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस लॉकडाउन का और कोरोना का, तो अभी मिलके करेंगे। तो अभी तो मैं दुबई में हूँ 21 फरवरी तक, उसके बाद में इंशाल्लाह वातावरण ठीक रहा तो बॉम्बे में आके भी काफी एक अच्छा प्रोग्राम करने का प्लान है, क्योंकि बॉम्बे में ज्यादा लोग हमको मिल पाएंगे वहां पर। हमारा तो लक्ष्य यही है कि सबका कल्याण हो, और ये स्ट्रांग संकल्प लेंगे कि कलाकारों के अंदर व्यसन तो होना ही नहीं चाहिए। व्यसन के इफेक्ट में आके कलाकार अगर अपनी कुछ कला का प्रदर्शन करे तो नेचुरल नहीं है। अपनी जागृत अवस्था में रहकर विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करे और वो एक्सेलेंस पे जाए तो वो कलाकार है। किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में आके, चाहे लिकर के इन्फ्लुएंस में, चाहे ड्रग के इन्फ्लुएंस में आके उसका कला का प्रदर्शन करके फिर वो नाम कमाना, वो तो उसकी खुद की पूरी कैपेसिटी नहीं हुई है। संदेश दे, और जो भी कलाकार इन व्यसनों से, उसकी बॉडी में भी महिमा होती है, सारे जग में महिमा होती है। गीतांजलि बहन और जो भी हमारे पास ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटर पर कोई मैसेज मिले, तो बहुत भी थोड़ा सा भी मैं लेट हो गया जाने के लिए, तो कोई बात नहीं, मुझे 2 घंटे में थोड़ा सा काम है। और भी गायकवाड़ भाई अपना अनुभव भी सुनाएंगे, और आप फिर हम गायकवाड़ भाई से मिलेंगे, कल उनसे खास मीटिंग है।
थैंक यू, ओम शांति, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओम शांति दयाल भाई, ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी गायकवाड़ भाई। हाँ जी, अभी आपको क्या बताऊं मैं, कहते हैं ना बाबा, आपने जो चालू किया शायद एक वीक या दो वीक कैसे हुए रहेंगे, जब हमने पढ़ा तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसी सेवा। तो ये देखिए, मुरली सुनना, हमारी सिस्टर, हमारे सब बड़े लोग कहते हैं डेली मुरली सुनना आना, कोई परिवर्तन नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई संकल्प, उससे तो मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम भी सोच रहे थे, अभी हम किसी को पूछे कि भाई हम 30 ईयर से ज्ञान में है, तो हमें लगता है भाई किया क्या है। तो बाबा तो कहते हैं कि हर दिन प्रगति होनी चाहिए, हर उसमें ठीक है। किसी को हमने बाबा का रोज, हम बाबा जैसा मुरली भी बताते हैं, ऐसा हम कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य कहाँ तक पहुंचा है वो एक बड़ी समस्या है। और मिनेश भाई, आपने जो ऐसा जो संकल्प करके चला रहे, तो प्लीज, मुझे तो ऐसा, मैं कल गदगद हो गया। पता है क्या, सेम आर्ट और कल्चरली यूअर्स, ऐसा एक मेरे हॉलीवुड बॉलीवुड के डायरेक्टर है सुनील बब्बर जी, उन्होंने बैठक, उन्होंने अमेरिका टोरंटो कनाडा के सब लोगों से मिलके उन्होंने एक बैठक ऐसा शो निकाला। और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि कलाकार जो जिसको कोई पूछ रहा नहीं, कोई बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, तो उनको ला के उनका अनुभव सुना के लोगों को मनोरंजन करा रहे। तो मैं दिल में सोचा, सुनील बब्बर को भी मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त है, और उन्होंने हमारे दोनों के सहमति से वो शो बैठक चालू हो गया, तो मैं लिंक भी भेज देता हूँ आपको। मतलब हमें हमारी काम की नहीं बोल सकते, लेकिन वो तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को दिखाते हैं वो चलेगा, लेकिन हमें वो होना चाहिए कि बाबा का ज्ञान साथ साथ अगर चले, उसके साथ भी हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग चाहते हैं कि इजी आसानी से लोगों को भी, हम भी, हमारे भाई बहन जो भी है, अभी हम देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम में थोड़ा सा, मैं कहते हैं ना कि थोड़ी बड़ा ही कर दिया, हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग में बोला था कि भाई हमारे मेंबर्स तो 200 है, तो गिने चुने लोग है कि भरत भाई है, मिनीश भाई है, नरेंद्र भाई है, मैं तो सतीश भाई है, इतने में गिने चुने लोग रात दिन अपने ग्रुप पे मेहनत कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो बाकी के लोग क्या खाली कहने का मुझे हक नहीं है। गीतांजलि मेहनत करते हैं ना, लेकिन गायकवाड़ भाई देखो, गीतांजलि बहन बड़ी बड़ी सेवाएं करती है अभी पहले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको पता है की बात कहे तो किशोर भानीशाली को गीतांजलि बहन जब लाए तो हम ही गाड़ी में लेके आए थे, हमारे शैलेश भाई है यहाँ से, तो नहीं पहुंचाया था, और जरीना वहाब हम उनका जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जरीना वहाब आए थे, तो बड़ी बड़ी सेवा हमारे गीतांजलि बहन तो कर ही रहे हैं। जी बहुत बहुत बड़ी कर रहे। अभी देखिए, आपका शो चालू होके भी मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ, जब आपने मुझे बताया कि गीतांजलि बहन ऑनलाइन आ रही है, देखिये ये हमारा प्यार है, क्योंकि गीतांजलि बहन अगर कुछ बोलेगी तो कुछ यूनिक ही और अच्छा ही बोलेगी, और कार्य कर रही है, भरे साथ में हो, साथ में आर्ट एंड कल्चर के साथ गीतांजलि बहन जुड़ी हुई। मैंने एक बार बहुत बड़ा शांतिवन में प्रोग्राम हुआ था, उसी दिन मैं उनका नाम सुना था, सारंग जगताप जी उन्हीं के बड़े फैन है, वो उन्होंने भी वो उनका नाम बहुत लिया। लेकिन बहन जी बहुत कार्य में, अपने बाबा के कार्य में तत्पर रहती है, उसके साथ में स्पिरिचुअली बहुत काम करती है। तो इसके लिए मैंने आज छोड़ना नहीं चाहता, इमीडिएटली आपने बोला, दयाल भाई को भी लिंक भेजे, दयाल भाई को भी बोला कि भाई आप, दयाल भाई आना है आप और देखना है। और ये जो आपने चालू किया है, मैं थोड़ा सा वो था, लेकिन बल्कि मैं आपको हर एक, अभी इसके आगे का एक भी 5 मिनट पहले से ज्वाइन होऊंगा, आखिरी में मैं जाऊंगा, मैं दिली ख्वाहिश रहेगी कि मैं जैसे मैं राह देखता है ना, तो आपके प्रोग्राम की मैं राह देखूंगा मिनीश भाई जी। वैसे भी रात दिन हम तो बाबा की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए दोबारा मैं बोलता हूँ कि मुरली सुनते हैं
कहाँ तक हम लोग उसको अमल में लाते हैं वो एक बात है। और आपने जो ये चालू किया है, मैं तो पहली बार तो अपने ग्रुप में डाला था, मैंने मुझे इतना पढ़ा नहीं था डिटेल में, बाद में लगा नरेंद्र भाई ने भी बोला अरे ये तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा है। बल्कि इससे क्या होगा, देखिए कितने लोग नए जुड़ने वाले जुड़ेंगे। लेकिन इसके क्रेडिट जो है वो वास्तव में ये अविवेक बाप दादा का डायरेक्शन है और एक क्रेडिट मुझे नहीं जाती है गायकवाड़ भाई, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर जयन भाई साहब के सिर पे ये क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाबा को पूछा था, गीतांजलि बेन पूछा था एक बार डॉक्टर साहब ने अविवेक बाप दादा को कि बाबा पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए क्या करूं। गीतांजलि बेन अविवेक बाप दादा ने जो जवाब दिया डॉक्टर जयन भाई साहब को, अनुभव सुनो और सुनाओ। और ये साल पहले की बात है, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्शन दिया, सेशन रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत हमसे बाबा ने करवाई है, लेकिन डायरेक्शन तो बाबा का और बड़ों का है। तो ये मुझे मत दीजिए, नहीं जी जी, फिर भी देखिए आप एंकर है, आप चला रहे हैं, बाबा का ही यज्ञ चला रहे, लेकिन देखिए इससे क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल रिफ्रेश हो रहे हैं। और जब वो मुझे थोड़ा कल भी ये हो गया कि वो बैठक देखा, वो महीने में एक शो चला रहे, दो तीन कलाकार को ला रहे और मेरी कमेंट्स के लिए बेचारे राह देखते है, सुनील बाबर इतना बड़ा शो चला रहे, इतने बड़े वो है, लेकिन मेरे कमेंट्स के लिए बोलते है गायकवाड़ जी आपको कैसा लगा, आप जब जैसा बोले तो कि कैसा है। ये तो कार्य जो भी है अच्छा कार्य के भी सराहना, मतलब अपन तो डायरेक्ट बोलने वाले हैं ना, कि ऐसे नहीं कि आपका मिनिश भाई का बोल के ज्यादा तारीफ करो और किसका है तो नहीं। इससे क्या होता है, तारीफ करने से बंदा थोड़ा, हाँ क्रिटिक जरूर करो कि भाई थोड़ा सा कुछ है तो हटके तो अच्छा रहेगा, प्रगति होगी। आप क्या कहेंगे गायकवाड़ भाई, आज तो गीतांजलि बेन का दिन है, उनका सेशन है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं बहन जी के लिए शुक्रिया करूंगा तीन बार जैसे। और गीतांजलि बहन आप जुड़े रहिए जी, गीतांजलि बहन आप जो है वो बॉलीवुड और गॉडलीवुड उसके बीच का ब्रिज है, ये ब्रिज वाला विषय। जब तक ब्रिज नहीं होता है तब तक दो किनारे जुट नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड बिल्कुल गॉडलीवुड कहाँ बॉलीवुड, तो ये आप माध्यम हो बड़ा गजब का, आपका विशेष पार्ट है और ये होना है आगे चलकर बहुत। मिनेश भाई आपने जो बात कही बहुत गहरी बात थी, अनीता राज जब हम छोटे थे तो हमारी फेवरेट हीरोइन में वो आती थी अनीता राज जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनीता राज की आपने बात कही कि जब आप ले आए तो वो जो बाबा के शब्दों में कहूँ किसी आत्मा की आप सेवा करते हो, उनको जो खुशी मिलती है ना दुआओं में ट्रांसफर हो जाती है, तो आप कितने दुआओं के भागीदार बन रही है, हकदार बन रही है, बधाइयां है आपको, लाखों आपको। ठीक है डॉक्टर, आप भी गीतांजलि बहन मुझे जानते भी है, उनको पूछिए, मिले हैं हम लोग, मिले दुबई में, मिले हैं प्रभाकर सिटी सर, आप हम मिले हैं, मेरा बेटा आया था साथ में। और देखिए अभी उस तो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये भाई कार्यक्रम चालू हुआ है, मैं भी थोड़ा सा आर्ट कल्चर में थोड़ा बिजी हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा था। आज मुझे मैसेज आया मिला है कि गीतांजलि बहन जी आप कुछ सुनाने वाली है, उनका मतलब मार्गदर्शन होगा, तो इसके लिए मैं देखिए खास मैं आपका शो देख रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आप तो बहुत हेल्प करने वाली लेडी है आप हर एक देखिए, मतलब दयाल भाई तो अभी मुझे जब भी है बोलते हैं गायकवाड़ भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गीतांजलि बहन से आप बात किया करो, क्यों बोलते हैं, भरोसा है और प्रामाणिक लेडी है, ये इतने क्षेत्र में कर रही है, सबका प्यार आपके ऊपर है, सब कुछ है गीतांजलि बहन। और आज आपके शो में आके बहुत अच्छा आपने किया, बाबा का नॉलेज दिया आपको, आपको तो बाबा का पूरा नॉलेज है और बाबा के परिवार के कई लोगों के साथ आपका डायरेक्ट संपर्क होता है और आप बहुत सारे कलाकार का एक मैं एक बात बताऊं, हम लोग तो कई लोग ऐसे सोचते कलाकार नहीं, कलाकार के अट्रैक्शन से और सोल जो होते हैं ना, जो भी बेचारे
अलबेलेपन में है वो उसी तरह से आते हैं और उनको टेस्ट लग जाती है तो बाबा के परिवार के साथ जुड़ते हैं। मिनीश भाई, एक मैं शेयर करना चाह रही हूँ। रिसेंटली हमारे एक दूरदर्शन के टेक्नीशियन है, उन्होंने कहा आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है गीतांजलि जी, क्या मैं बोलू, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा कि आप आंखें बंद करो, एक ही सांस से पहले ये करो। मैंने फोन पे उनका मेडिटेशन कराया और 15-20 आधे घंटे के बाद बोल रहे हैं कि मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बस जुड़ो, ये देखो जुड़ो संस्था से, अब राजयोग सीखो। तो मुझे बहुत खुशी लगती है अगर किसी को खुश हो जाए, वो अगर तकलीफ में है और उनको मैं खुश हो जाऊं, तो मुझको इसका सौभाग्य है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मैं एक जरिया हूँ यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बाबा ने मुझे जरिया किया है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जी ठीक है। डॉक्टर साहब आप भी दो शब्द कहे हमारे गीतांजलि बहन के लिए, आज उनको थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे है, फिर भी उन्होंने अपने को समय दिया है। डॉक्टर साहब, अंजलि बहन की दो विशेषता बहुत अच्छी तरह उभर आती है। एक तो जैसे आपने कहा, मेरा बाबा, हमारा बाबा, हमारा परिवार, हाँ हमारे एक्टर्स भाई को भी अपना बनाया, सबको अपना बनाया। तो ये जो है दिल का प्यार जिससे होता है ना, उसके सामने सीधा निकलता है, हमारा हमारा हमारा। तो ये हम भी बोलेंगे हमारे गीतांजलि बहन, हमारे गीतांजलि बहन। अपनापन अपनापन लाता है। और दूसरी बात, उनके पास एक ऐसा उमंग है, ये सेवा करूं, सबको ये मैसेज मिल जाए, सबको सुख दे दूं मैं, ये इनकी भावना जो है ये नेचुरल रूप में चलती है, ये नेचुरल संस्कार इनका है, जिसके कारण अनेकों की सेवा भी कर रहे हैं और यही उनको आगे लेके आगे हमको सतयुग में भी हमारे साथ बहुत एडवांस के रूप में रहेंगे। हाँ, आज भी बाबा ने बताया ना, हमें सारे वर्ल्ड को चेंज करना है। बाबा तो उसी एम से आए हैं, तो सारे वर्ल्ड के गाइड हम लोग सब बनने वाले हैं। तो इसमें जो सेवाधारी है वो बहुत कुछ कर सकते हैं और सारी वर्ल्ड को गाइड कर सकते हैं। और ये उनके पास तो ये जो एक्टर्स का भी झुंड है, संबंध है, संपर्क है और उनको देते रहते हैं, तो ये लोग तो और ज्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों को उनकी आर्ट की प्रति भावना होती है, इसलिए उनकी बात जल्दी कैच कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। अपने गायक हुआ भाई भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके अंदर भी बाबा के प्रति, मुरली के प्रति प्यार है। और इनको खास ये है कि अनुभव से बहुत सेवा हुई है, पहले भी सुनाई थी ना मुरली आपने सुनी थी, क्योंकि पता है क्या, ख्याल माया के इधर उधर ना जाए, अगर कुछ है तो थोड़ा सा ये बंसी बजा लेता हूँ कभी कभी, स्वर से भी हो। दो मिनट बजा लीजिए, फिर बाबा की याद में फिर पूरा करेंगे। अरे वाह, अभी भी टाइम है जी जी, अगर बोल सकते अगर है, अगर है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए, चलो गीतांजलि बहन के लिए डेडिकेट कर देता हूँ एक सॉन्ग। थैंक यू यस श्योर। अच्छा अभी क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल है क्या, है क्या बोल रहे थे आप? नहीं अभी तो 9:48 हुआ है यहाँ। हाँ भले, गीतांजलि बहन ने स्वीकार किया, आप भले बजाइए जी। ठीक है, मैं जरा इसको फोन पे रखता हूँ। बहुत सुंदर मैसेज गीतांजलि बहन आपके द्वारा कलाकारों को कहूंगा मिला है। सही है, राजयोग की विद्या के द्वारा आप विदाउट टेंशन आपका कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर संदेश आपके द्वारा
सभी को मिला। हाँ गायकवाड़ भाई। बहुत अच्छा, देखिए गायकवाड़ भाई जी हमारे पास। अरे वाह, अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, जिनको याद किया वो भी हाजिर है। मोनिका बहन आज दौड़े भागे चले आए हैं क्योंकि वो वाह, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉमिस निभाया। बोले मुश्किल तो है लेकिन जब प्यार होता है तो प्यार में कोई मुश्किल बात नहीं लगती है। तो कैसे भी देखो वक्त में से वक्त चुरा के आपको मिलने के लिए जरूर इस सभा में हाजिर है। तो आपको याद कर रहे थे मोनिका बहन, गीतांजलि बहन ने पहले ही आपका नाम लिया, आपको याद कर रहे थे, प्रॉमिस तो करने वाली है। आप भी दो शब्द हमारी, आज तो गीतांजलि बहन का दिन है तो कुछ कहे मोनिका बहन। ओम शांति टू एवरीवन। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निमेश भाई को मैं वही बोल रही थी कि मैंने कहा आप तो जो है बाबा की जो है बहुत लाडली और प्यारी बच्ची हैं और आप तो मतलब जो है कंटिन्यूस कितने सालों से जो है आप आर्ट एंड कल्चर विंग की जो है इतनी सेवा कर रहे हो, इतने वीवीआईपी लोगों को आप लेकर आए हो और आपका तो जो है बहुत इस अद्भुत ड्रामा में बहुत ही मेजर और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ा वंडरफुल रोल है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मिनिश भाई मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार जब मोनिका बहन को देखा था तो उनमें एक बहुत सा प्योरिटी था, उनके जो चेहरे में करुणा थी, जिस डेडिकेशन से वो ड्रामा कर रही थी, डायरेक्ट कर रही थी, कैसे जुड़ के सबको ये कर रही थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे बहुत इनो जब भी मैं किसी को देखती हूँ और जो व्यक्ति है मेरे रूह को छूता है, मैं कभी भूलती नहीं मैं उनको। बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। यस हाँ। बाकी एक बात बताऊं, आपके प्रतीक के मन के भाव मोनिका, अभी तो समझो मोनिका बहन ने बोला है स्क्रीन पे मीटिंग में, ठीक है ये तो पब्लिकली हुआ, लेकिन मैंने जब फोन किया कि मोनिका बहन अगर आप थोड़ा समय निकाल सके तो आज हमारी गीतांजलि बहन आने वाली है, वो इतनी खुश हुई, ये भी ठीक है। लेकिन एक फोन में, मैंने फोन रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड करता रिकॉर्डिंग, उन्होंने 5 बार बोला है, 5 बार। मोनिका बहन को भी ध्यान नहीं होगा, मुझे ध्यान है, मोनिका बहन 5 बार बोला गीतांजलि बहन बहुत अच्छी सोल है गीता। मैंने बोला ये इतना रिपीट कर रही है मोनिका बहन। फिर मैं सोच रहा था कि देखो आपके प्रति कितना भाव है और यही ईश्वरीय संबंध है, सारा जो है ना ईश्वरीय परिवार, दुनिया में क्या चल रहा है और यहाँ क्या है के पीछे सच्ची सच्चाई वो होती है जो सामने नहीं पीछे की जाए। तो ये तो मैं कहूंगा यहाँ झूम मीटिंग में सामने आपके आपकी अच्छाई की है, लेकिन आपके पीछे 5 बारी उन्होंने ये बात को बोला है कि गीतांजलि बहन बहुत अच्छी सोल है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो यही प्यार है और यही प्यार दो दो युगों तक फिर हमारा एक दूसरों के साथ काम आता है, आगे चलता है। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं गीतांजलि बहन, फिर पूरा करें। लेकिन मैं ये कहूंगा आज आपने विशेष युवा कलाकारों को और साथी कलाकारों को जो संदेश दिया है वो बस यही है कि आज के बाद फिर टेंशन न करना, सिर्फ राजयोग करना। तो आज के बाद से टेंशन फ्री होना है, यही आपका मैसेज कलाकारों के प्रति। और ये मैं गीत के द्वारा दर्शाना रजू करना चाहूंगा। तो कुछ पल हम उस प्यारे पिता की याद में बैठते हैं जिसने इस महफिल को सजाया हुआ है। ठीक है गायकवाड़ भाई? ओके ठीक है। चलिए मोनिका बहन ओम शांति। डॉक्टर साहब 2 मिनट में पूरा, ओम शांति इजाजत है डॉक्टर साहब पूरा करें। ठीक है, तो गीतांजलि बहन आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, सेवाओं में भी व्यस्त रहे, मस्त रहे और दुआओं का खाता जमा करते रहे, ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना। अच्छा मोनिका बहन ओके, आपने भी
मुझे पता है आप आज बहुत बिजी थे, फिर भी आए, तो बहुत मुबारक इसकी हम आपको देते हैं। आप भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं कैसे आई हूँ मुझे पता, मुझे पता है आप बहुत बिजी थे, लेकिन वो गीतांजलि बहन का प्यार ऐसा है ना, वो आपको खींच के ले आया। उनको तो दयाल भाई भी बहुत ज्यादा प्यार करते, बहुत ज्यादा मान और सम्मान देते, इतना उनको मतलब मान और सम्मान है गीतांजलि बहन के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मतलब दिल से जो है उन्होंने बहुत जो है निस्वार्थ भाव से सेवा किया। ओके चलिए तो कुछ पल, थैंक यू एवरीवन। टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज की बात से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलती फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोती थी, टेंशन में जी कर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोती थी। सब को ही इससे तुम सदा यूं ही बचाती रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना।